तो सबसे चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और इसके दो यूनिट्स हैं जो इकट्ठे ही मैंने कवर किए हैं। वैसे तो चैप्टर 1 के 4 यूनिट्स हैं, 1.1 से 1.4। तो मैंने 1.1 और 2 को पहले कवर किया और फिर 1.3 और 4 को भी किया। अच्छा, इसमें जो कॉमन चीजें हैं जो बिजनेस में भी हैं, तो उनको तो कवर करने की हमें जरूरत नहीं है। जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, ये आपको अच्छे से पहले ही पता है। पता है ना? यस सर। अच्छा, लेकिन पेपर में एक सवाल आया हुआ था कि व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैन नेवर बी सॉल्व। अब उसका आंसर मैंने वैसे यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अगर 4 नंबर का सवाल आता है और बच्चे ये लिख देते हैं कि क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो ये तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं। अब वो सॉल्व क्यों नहीं होती, और 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ तो आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने लिखा भी हुआ है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एक तो ये कि रिसोर्सेज तादाद में कम होते हैं कंपेयर टू वांट्स, एक तो ये बात है, जिससे रिसोर्सेज कभी भी सफिशिएंट नहीं होते टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द पीपल। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने यहाँ लिखी हुई है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये कि वांट्स जो है वो एवर इंक्रीजिंग है। मतलब कि अगर एक वांट को आप सेटिस्फाई करते हैं तो दूसरी वांट अराइज हो जाती है। मतलब ये कि अगर एक बंदा है जिसके पास लेट से कि कोई कन्वेंस नहीं है और वो ट्रैवल करता है पैदल ही, तो ऑफ कोर्स उस बंदे की डिजायर है कि यार एक मुझे कोई कन्वेंस मिल जाए, कोई मोटरसाइकिल, कोई चीज। अब मोटरसाइकिल बंदे के पास उसके मिल जाती है, इसका मतलब है दैट वांट इज सेटिस्फाइड कि कोई व्हीकल हो जिसके थ्रू वो ट्रेवल कर सके फ्रॉम होम टू वर्क प्लेस और फ्रॉम वर्क प्लेस टू होम। अच्छा, जिसे हम कम्यूटिंग भी बोलते हैं कि रूटीन का ट्रेवल है, जो एक जगह से दूसरी जगह आपने जाना है। नॉर्मली ये यही होता है जब आपने वर्क प्लेस पे जाना हो या वहां से घर आना। तो जब वो मिलेगा तो उसकी एक और वॉन्ट आ जाएगी, यार गाड़ी मिल जाए। अच्छा, फिर गाड़ी भी ले लेता है आफ्टर सम टाइम, तो उसके बाद यार मुझे बेहतर गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। तो सिमिलर वे जो वॉन्ट्स हैं, अब आप देख रहे हैं कि वो बढ़ती जा रही है। पहले वो वॉन्ट नहीं थी, लेकिन एक तो वॉन्ट तादाद में ज्यादा है, और दूसरा ये कि वॉन्ट जो है वो आपकी अगर एक सेटिस्फाई है तो दूसरी आ जाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ना वो परसिस्ट करती है। एंड एवरीबॉडी हैज टू फेस इट, इवन द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ कैन नॉट क्लेम दैट आई कैन सेटिस्फाई ऑल ऑफ माय वॉन्ट्स। जरूरतें ऑफ कोर्स पूरी कर लेता होगा, जैसे हम बात करते हैं कि इलॉन मस्क या जेफ बेजोस या बिल गेट्स या मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का फाउंडर है, अब ये अमीर तरीन लोगों में शामिल होते हैं दुनिया के। और ये भी ये नहीं कह सकते कि हमारी वॉन्ट्स पूरी हो रही है, क्योंकि शायद ये पूरी दुनिया खरीदना चाहते हो लेकिन इतने पैसे तो उनके पास नहीं है। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब भी दिया जा सकता है, और मैंने उसी तरह का कुछ लिखा भी हुआ है, क्योंकि 4 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो कुछ तो आपको रीजनिंग या डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, इसी तरह फिर रिसोर्सेज की बात करते हैं। ये आपको अच्छे से पता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, और ये प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और मैंने लिख दिया कि लैंड को हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, लेबर को ह्यूमन रिसोर्स, और कैपिटल को मैन मेड रिसोर्स। अच्छा, और यहाँ पर एक बात मैं जरूर आपको करूंगा जो कि बिजनेस में नहीं होती। मतलब कैपिटल जो है हमने बिजनेस में पढ़ा हुआ है, इवन अकाउंटिंग में भी ऐसे ही है कि आपके पास जो लेट्स से के आइटम्स हैं जिसको आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि बिल्डिंग है, मशीनरी है, और दूसरे टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, तो इसको हम कैपिटल में कंसिडर करते हैं, बिजनेस में भी करते हैं। लेकिन बिजनेस में जो फाइनेंस है, मनी, उसको भी कंसिडर किया जाता है अकाउंटिंग में भी। तो यानी कि वो पैसा जो कि ओनर लेकर आता है टू सेटअप अ बिजनेस, तो वो कैपिटल भी कहलाता है बिजनेस के, बिजनेस में। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो फाइनेंस है, जो मनी है, वो कैपिटल का पार्ट नहीं होता।
अच्छा, अब उसमें एक सवाल बनता है कि जी सर, जो पैसे हैं, मनी है या कॉइन्स हैं, सर ये भी तो मैनमेड है, और क्या ये इस्तेमाल नहीं होते प्रोडक्शन में? तो इसका जवाब है, और इसका जवाब है आपके पास कि इकोनॉमिक्स में हम फाइनेंस को या मनी को क्यों पार्ट ऑफ कैपिटल नहीं कहते जबकि वो बिजनेस में होता है? है को सर आइडिया? शायद क्योंकि वो इनडायरेक्टली यूज होते हैं, उससे पहले खरीदते हैं चीज तो फिर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वेरी टूल्स गुड, बिल्डिंग्स जो भी बिल्कुल कहते आपने हैं। ठीक कहा, क्योंकि इकोनॉमिक्स ये बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि एज अ सब्जेक्ट कि मनी को आप डायरेक्टली प्रोडक्शन में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। मनी इज यूज्ड टू बाय बिल्डिंग, मशीन्स, टूल्स, एंड अदर इक्विपमेंट्स। तो मनी से तो वो चीजें खरीदी जाती हैं जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, यानी कि मनी से कैपिटल खरीदा जाता है, या आसान लफ्जों में कैपिटल गुड्स खरीदी जाती हैं, क्योंकि कैपिटल गुड्स को ही कैपिटल बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो बिल्कुल सही आपने वर्ड इस्तेमाल किया कि मनी डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व भी नहीं है, मनी से डायरेक्टली कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फर्ज किया कि आपको चीजें नहीं मिल रही बाय करने के लिए जिसकी आपको जरूरत है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप मनी से क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते आप, मनी तो कुछ नहीं करेगा। अगर मनी से आप कुछ बाय नहीं कर सकते क्योंकि चीजें अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो मनी आपको प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं देगा। इसी वजह से मनी को हम, या फाइनेंस को हम, कैपिटल का पार्ट नहीं बनाते। अच्छा, उसको ये तो हमें समझ आ गई। अच्छा, एंटरप्राइज ये भी आपने चूंकि पढ़ा हुआ है इसके बारे में। अच्छा, इसमें एक चीज जो बताने वाली है कि इन ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये प्रोडक्शन में तो इस्तेमाल होते हैं, हमें समझ आती है, लेकिन ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल होंगे तो इनके जो ओनर्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, वो कुछ रिवॉर्ड चाहेंगे, यानी कि इन रिटर्न अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनके इस्तेमाल किया जा रहा है तो उनको उसके बदले में कुछ रिटर्न चाहिए जिसे रिवॉर्ड बोलते हैं। तो अब जैसे लैंड का रिवॉर्ड हम मैंने लिखा हुआ है कि रेंट होता है, मतलब अगर किसी की जमीन आपने इस्तेमाल करनी है तो आपको उसको रेंट देना हो, मतलब आपने कोई बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ऑफिस बनाया आपने वहां पर, तो आपको रेंट देना। लेबर है तो आपको लेबर को वेज देनी है, क्योंकि जो लेबर सप्लाई कर रहे हैं वो कौन है? वो ह्यूमन बींग्स हैं, वर्कर्स हैं, तो उनको उसके रिटर्न में वेज मिलेगी। इस तरह कैपिटल अगर आप ले रहे हैं तो मैंने लिखा कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट है। अब कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट कैसे है ये मैंने बिजनेस में तो नहीं बताया, मेरा ख्याल है ना? नो सर, नहीं बताया। अच्छा, अब मैंने यहाँ लिखा है, अगर आप गौर करो तो जो कैपिटल का रिवॉर्ड है वो इंटरेस्ट है, यहाँ में नजर आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह से है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये कहते, क्योंकि हम तो लोन ले रहे हैं, अगर तो लोन तो आपने कहा है सर पैसे की शक्ल में होता है, तो पैसा तो कैपिटल होता नहीं है, तो उस पे जो इंटरेस्ट देंगे वो फिर कैसे हो गया? वो इस तरह से कि हर बिजनेस जो है ना वो फंडिंग के लिए बैंक्स को इस्तेमाल करता है एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, वहां से लोन लेता है। तो वो जो आप चीजें बाय कर रहे हैं वो एक्चुअली आपकी है नहीं ना, क्योंकि आप तो उस सोर्स ऑफ फाइनेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपका नहीं है, और बैंक के पैसे को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बैंक, क्योंकि आप वो कैपिटल इस्तेमाल करेंगे और जब तक आप वापस नहीं करते पैसे तो आपको इंटरेस्ट पे करना है बैंक को, क्योंकि वो बैंक को, बैंक के पैसों से वो मैन मेड रिसोर्सेज आए हैं जिसको आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, इसीलिए इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। अच्छा, बाज दफा ये भी होता है कि आप अगर लोन नहीं भी ले रहे तो बैंक्स आपको कुछ फैसिलिटी दे देते हैं फाइनेंशियल, और उसको हम बोलते हैं, आपने सुना भी होगा नाम, जैसे लीजिंग। लीजिंग का कॉन्सेप्ट पता है आपको? लीजिंग, सर नाम सुना, मुझे पता नहीं है क्या होता है। अच्छा नाम सुना है, जैसे कि लीजिंग पे जो गाड़ियां वगैरह खरीदते हैं, वैसे लीजिंग जो है ना वो बिजनेस में मौजूद है ये कॉन्सेप्ट।
महाराज, वो मैंने आपको जो लिंक्स भेजे थे वीडियो के, उसमें ये सोर्स ऑफ फाइनेंस का जो चैप्टर है उसमें लीजिंग है। एनीवे तो लीजिंग में आप क्या करते हैं कि आपने कोई गाड़ी लेनी है फर्ज किया, ठीक है, और वो व्हीकल आपने बाद में ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करनी है, फर्ज किया अपने बिजनेस के लिए भी। तो बैंक वाले क्या करते हैं कि वो आप जो व्हीकल चाह रहे हैं लेना, बैंक पेज यू, पेज जहां पे वो बिक रही है, कार शोरूम ओनर है फर्ज किया, उसको पे कर देते हैं ऑन योर बिहाफ। कौन? बैंक। और वो चीज आपको मिल जाती है। और अब लीजिंग में आपने गाड़ी उठा ली है तो एक्चुअली गाड़ी के मालिक आप हैं नहीं, लेकिन गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब तक आप वो पेमेंट गाड़ी की कर नहीं देते, गाड़ी के आप मुकम्मल ओनर बनेंगे नहीं, और बैंक आपसे वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा क्योंकि वो गाड़ी आपकी नहीं है, वो बैंक की। ये लीजिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप लोन ले लेते हैं तो आप उस चीज के मालिक तो बन जाते हैं, लोन लेके आपने बिल्डिंग खरीद ली आपके नाम पर है, लेकिन आप स्टिल रिस्पॉन्सिबल हैं, लायबल हैं वो अमाउंट पे करने के, क्योंकि वो बिल्डिंग आपके पैसों से नहीं आई, तो उसके बदले में वो आपको जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं बैंक, जो फाइनेंशियल फैसिलिटी दे रहे हैं, उसके बदले में वो आपसे इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि वो कैपिटल जो आप बाय कर रहे हो फॉर योर बिजनेस वो उन्हीं के पैसों से है। अच्छा, फिर एंटरप्राइज की बात करते हैं तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी की आपको पहले से ही पता है, तो इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर, क्योंकि एमसीक्यू में भी आता है कि एंटरप्राइज का रिवॉर्ड प्रॉफिट होता है, समझ आती है आपको? एंटरप्राइज का जो रिसोर्स है ये कौन ऑफर करता है? ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर्स, ओनर्स। और वो क्यों ऑफर करते हैं? क्योंकि उनको रिटर्न में प्रॉफिट चाहिए होता है। तो हमने देख लिया, लैंड का रिवॉर्ड लैंड है, रेंट है, लेबर का वेजेस है, कैपिटल का इंटरेस्ट है, और एंटरप्राइज का प्रॉफिट है। अच्छा, इसी तरह अगर हम डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स, तो मैंने तीन डिफरेंसेस बताए हैं कि नीड सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, जो आपको भी पता है, और वांट सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है, आप इसके बगैर जिंदा रह सकते हैं। मैंने वैसे एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख सकते हैं कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये तो हर बंदे को चाहिए ना, नेसेसिटी है, सर छुपाने के लिए जगह तो चाहिए। लेकिन वहां पर अगर मैं कोई ब्रांडेड चॉकलेट की बात कर रहा हूँ, या लग्जूरियस हाउस की बात कर रहा हूँ, या ब्रांडेड क्लोथ की बात कर रहा हूँ, तो वो फिर वॉन्ट में आ जाता है। नीड्स लिमिटेड इन नंबर होती है, डजेंट मैटर वेदर यू आर रिच और पुअर, वही आपने फूड, शेल्टर, क्लोथिंग वगैरह चाहिए आपको, फ्रेश एयर भी बीच में डालना होगा, डालना है तो। और वो अनलिमिटेड वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, उन्होंने बात पहले भी की है कि वो बढ़ती जाती है, ऊपर से तादाद में भी ज्यादा होती है और बढ़ती भी जाती है, और नीड आपको सेटिस्फाई करती है, और वॉन्ट्स आपको कंफर्ट देती हैं और लग्जरी प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि अगर आपको फील हो रहा है कि यू आर थर्स्टी और समबडी ऑफर्स यू अ ग्लास ऑफ वाटर टू क्वेंच योर थर्स्ट, तो आपकी वो जो थर्स्ट है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। आपको भूख लगी है तो कोई आपको रोटी दे देता है, सालन दे दिया, तो आपकी जो एपीटाइट है, आपको भूख लगी हुई है वो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन आपको अगर पानी की जगह कोई कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर देता है, सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर कर देता है, खाने की जगह आपको कोई मैकडोनल्ड्स का बर्गर और साथ फ्राइज ऑफर कर देता है आपको, तो ये फिर आप के लिए एक लग्जरी बन गई। आप यू विल बी ओवर जॉयड, खाली सेटिस्फेक्शन नहीं है, इट गोज बियॉन्ड दैट। अच्छा, तो इसी तरह डिफरेंस इकोनॉमिक और फ्री गुड्स के दरमियान जानना भी जरूरी है। अच्छा, कई ना, इससे पहले कि मैं ये पॉइंट्स पढूं, तो मुझे आपको ये समझाना है कि अक्सर बच्चे जो है ना, वो उनको ये लगता है कि फ्री गुड्स का मतलब है जो फ्री मिलती है, जो कि बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। फ्री गुड्स वो हैं जो फ्री मिलती है। अब ऐसे होता है कि आपकी बर्थडे हुई और आपको बर्थडे पे प्रेजेंट जो है ना वो दिए आपके रिलेटिव्स ने, आपके आपकी फैमिली मेंबर्स ने, तो आपको फ्री नहीं मिला क्या? बताओ, यस मिला तो वो आपके लिए फ्री गुड होना चाहिए ना, लेकिन वो फ्री गुड नहीं है। फ्री गुड इकोनॉमिक्स में बाय डेफिनेशन ये नहीं होता जिसमें आप पे नहीं कर रहे। अच्छा, अब पहला पॉइंट, अब अच्छा इस पहले इसको मैं कंप्लीट कर लूं, फिर पॉइंट इधर बताऊं। होता ये कि वो फ्री गुड इसलिए नहीं है क्योंकि आपने तो वो नहीं खरीदा, लेकिन किसी ने तो खरीदा,
तो याद रखना है, ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर अ प्राइस, मतलब कि समबडी हैज टू पे अ प्राइस टू गेट दोज आइटम्स, चाहे वो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, तो वो फ्री गुड्स नहीं हो सकती। ये आपने बात याद रखनी है, वो फ्री गुड्स नहीं होती। फ्री गुड्स जो है वो क्या होती है, अब हम इसको जरा देखते हैं इकोनॉमिक्स में। क्या अच्छा, इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर स्केर्स, अच्छा, लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, अब इकोनॉमिक गुड्स जो है ना वो हमेशा डिमांड से कम होती हैं। स्केर्स का मतलब क्या है, इकोनॉमिक गुड्स जो हैं वो हमेशा डिमांड से कम होती हैं, तो इसी वजह से हर एक को तो मिल नहीं सकती, तो इसलिए उसकी प्राइस होती है कि जो प्राइस पे कर सकता है वो खरीद लेगा, जो नहीं खरीद सकता, जो नहीं पे कर सकता, उसको वो अवेलेबल नहीं होगी, दैट पर्सन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ दैट गुड। तो लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, इसका मतलब है मार्केट से आप जितनी चीजें खरीदते हैं, जिसके आप पैसे पे करते हैं, वो सारी इकोनॉमिक गुड्स होती हैं। और पॉइंट नंबर टू देख लो, दे ऑलवेज हैव अ प्राइस टू मेक इट अवेलेबल फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल एज दे आर इनसफिशिएंट टू मीट द डिमांड ऑफ द पीपल सच एज क्लोथ्स, कार्स, ब्रेड एंड सेलफोन, जो हम मार्केट से लेते हैं, क्योंकि वो हर एक को अवेलेबल हो नहीं सकती ना, डिमांड से कम होती है, तो फिर उसकी प्राइस रखती जाती है कि भाई जो देगा वो ले ले और जो नहीं देता वो ना ले, वरना अगर फ्री मिले फिर तो लड़ाई हो जाए ना, कि फ्री अगर मिल रही है फिर तो लड़ाई हो जाएगी कि मैं लूंगा, सबको मिलेगी नहीं, वो तो जंग ही शुरू हो जाएगी, तो प्राइस रखी भी जाती है। और तीसरा पॉइंट इकोनॉमिक गुड्स का क्या है कि ये इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, दे डू हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब इकोनॉमिक गुड्स स्केर्स क्यों होते हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक गुड्स स्केर्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्सेज से बनते हैं, मतलब इनके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं टू प्रोड्यूस देम। तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो ऑफ कोर्स जो गुड्स हैं वो भी लिमिटेड ही होंगी, स्केर्स ही होंगी। और जब आप रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और एक गुड को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो कैपिटल है, तो कोई और चीज जो है वो फिर वहां नहीं बनेगी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आनी है, क्योंकि जिन ये इनको बनाने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, रिसोर्सेज खुद स्केर्स होते हैं या लिमिटेड होते हैं, और वो अगर एक चीज की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे तो दूसरी चीज की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, दैट इज वाई इनकी हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और अगर हम फ्री गुड्स की तरफ चले जाएं, तो मैंने लिखा है फ्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट स्केर्स मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, यानी कि ये डिमांड से ज्यादा होते हैं। मतलब इसका मतलब, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं क्या ये इसका मतलब है कि ये अनलिमिटेड होते हैं, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो अनलिमिटेड हो, लेकिन फ्री गुड होने के लिए उनका अनलिमिटेड होना जरूरी नहीं है, क्यों वो इस तरह के अगर आपकी रोड साइड पे कुछ पत्थर पड़े हुए, ठीक है, कुछ तो वो पत्थर किसी के काम के नहीं है और इसीलिए वो फ्रीली अवेलेबल है, उनकी कोई प्राइस नहीं है, क्योंकि वो पत्थर तो किसी को चाहिए ही नहीं है। अब वो बेशक तादाद में कम है लेकिन वो फ्री गुड कहलाएंगे क्योंकि वो डिमांड से ज्यादा है। हो सकता है एक आधा बंदा उसको उठा ले के पैदल चल रहा है, पीछे को फर्ज किया को कुत्ता लग गया है, तो उसको उठाकर पकाने के लिए तो पत्थर आप मार सकते हैं और उसके अलावा आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो इसीलिए फ्री गुड्स स्केर्स नहीं होते। अच्छा, फिर दे डू नॉट हैव अ प्राइस, इसी वजह से प्राइस उनकी नहीं होती, एज दे आर इजीली अवेलेबल टू ऑल दोज हु डिमांड इट सच एज, अब जैसे एयर है, सनशाइन है, रॉटन एग्स हैं, कि अगर गंदे अंडे हैं तो किसी को नहीं चाहिए ना, वो तो पड़े हुए ऐसे, रफ पेपर कोई अगर पड़ा हुआ है, लेकिन रफ पेपर अगर कोई पड़ा हुआ है रोड साइड पे, जैसे मैंने स्टोन की बात भी की हुई है, या सी शोर पे, वो किसी को नहीं चाहिए, तो उनकी कोई प्राइस भी नहीं है, उनको कोई नहीं मांग रहा, और कोई मांगेगा भी तो शायद कोई एक आधा बंदा, वो स्टिल उससे ज्यादा ही अवेलेबल होगी। अच्छा, अगर मैं एयर और सनशाइन की बात करूं तो ये तो अनलिमिटेड होती है,
सूरज पूरी दुनिया को गर्मी देता है, सनलाइट देता है, लेकिन उसकी रोशनी तो खत्म नहीं होती। इसी तरह एयर भी मौजूद है, तो वो भी हमें समझ आती है बात की। तो ये जो है ना वो फ्री गुड्स है, क्योंकि ये डिमांड से ज्यादा है, और ये दोनों डिमांड से ज्यादा है, ये अनलिमिटेड है। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है कि फ्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर अनलिमिटेड, ये बात नहीं बनी ना। फ्री गुड्स वो हैं जो डिमांड से ज्यादा हो, बस हो सकता है वो अनलिमिटेड ना हो लेकिन उनकी डिमांड नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ एयर लिखा है, मैं यहाँ पर वाटर भी लिख सकता हूँ, मैंने लिखा नहीं हुआ, मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर कि पेपर्स लाइंग ऑन द सी शोर, या मैं अगर यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ सी वाटर, ये भी फ्री गुड ही है। अच्छा, और मैं इसको भी पहले बता दूं इसके बारे में कि अब आप गौर करो कि अगर आपने क्लीन वाटर पीना है, क्लीन वाटर जो पीने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए आपको टैप वाटर इस्तेमाल करना होगा उस या मिनरल वाटर की बॉटल लेनी पड़ेगी, तो क्या दोनों की प्राइस है कि नहीं है? है इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लीन वाटर जो है वो इकोनॉमिक गुड है, वो फ्री गुड नहीं है, क्योंकि वो पैसों की मिलेगी और उसको मिलेगी जो पैसे देगा, जो नहीं देगा उसको नहीं मिलेगी। इसलिए पाकिस्तान में आपको पता है 60% लोग जो बीमार होते हैं, इसलिए बच्चे उनकी बीमार होने की वजह गंदा पानी, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो अफोर्ड कर रहा है उसको मिल रहा है। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको एयर की बात की है, एयर एक फ्री गुड है, लेकिन मैं अगर कह दूं क्लीन एयर, जैसे कि लाहौर में आजकल स्मोक चल रहा है, तो क्लीन एयर अवेलेबल नहीं है, और जो कि स्मोक की वजह से एयर आपकी हेल्दी नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप मास्क यूज करना शुरू करते हैं N95, तो या एयर प्योरीफायर मिल जाते हैं, वो आपने ये बॉय यूज कर रहे हैं, तो अब आपको क्लीन एयर तो मिल रही है, लेकिन क्या क्लीन एयर आपको फ्री मिल रही है? नो नो। तो इसका मतलब है क्लीन एयर जो है वो भी एक इकोनॉमिक गुड बन गई, वो फ्री गुड नहीं है, क्योंकि तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ खरीदना पड़ रहा है जिससे आपको क्लीन एयर अवेलेबल हो। अच्छा, तो और तीसरा पॉइंट अगर इसका देखें, इसी से निकलता है कि फ्री गुड्स हैव जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि वो डिमांड से ज्यादा होते हैं, इसीलिए आपको उसमें चूज थोड़ी करना है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, वो डिमांड से ज्यादा है तो उनको या तो बनाने की जरूरत नहीं है, या फिर वो इतने ज्यादा है कि उसके लिए स्केर्स रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं होते। जैसे मैं अगर एयर और सनशाइन की बात करूँ, इसमें कौन से स्केर्स रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे? कोई नहीं हो रहे, पत्थर पड़े हुए, तो उस कौन से स्केर्स रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे? सी वाटर है, कौन से स्केर्स रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं? कोई नहीं इस्तेमाल हो रहा। तो फ्री गुड्स, इसलिए उनकी ऑपरेटरी कॉस्ट नहीं होती। तो अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो ये डेफिनेशन जरूर हो सकती है कि इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स हैं जो स्केर्स होते हैं, जिनकी प्राइस नहीं होती, जिनकी प्राइस होती है, या जिनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा होती है, ये तो समझ आती है। फ्री गुड्स वो होती हैं जिनकी जो स्केर्स होते हैं, सॉरी, जो स्केर्स नहीं होते हैं, जिनकी प्राइस भी नहीं होती और जिनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं होती। तो पेपर में ऐसे सवाल आया भी है, तो वहां ये सवाल आया कि सनलाइट जो है ना वो एक फ्री गुड है क्योंकि वो अनलिमिटेड है, ये एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ये बात ठीक है? एक और एक ऑप्शन बताएं आपको, सनलाइट नो अनलिमिटेड है इसलिए वो फ्री गुड है, सही बात हो गई? बताओ, नो सर नो। और मैंने यहाँ कहीं लिखा भी नहीं अनलिमिटेड, क्योंकि अनलिमिटेड होने से वो फ्री नहीं बनती, क्योंकि अगर वो अनलिमिटेड है हो सकता है जो वांट सेटिस्फाई करनी है वो भी अनलिमिटेड हो, फिर और वांट्स हैं भी अनलिमिटेड, पता है आपको? तो वो दिमाग अनलिमिटेड होना जो है ना ये शो नहीं करता कि वो चीज फ्री गुड है, इसलिए माना सनशाइन जो है ना उसकी प्रॉपर्टी है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन उसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से वो फ्री गुड नहीं है। फ्री गुड की कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं जो हमने डिस्कस की है। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे कंजम्पशन की बात भी हो रही है। अच्छा, तो अभी 10 तारीख आ गया है और 18th हो, यानी कि हफ्ते बाद आपका रिजल्ट आ रहा है, माशाल्लाह, चलते ही है ना जी?
यस सर। हो गया। चल वो तो आप बताएंगे। अच्छा कंजम्पशन मैंने लिखा है, आप देखो लिखा है कंजम्पशन क्या होता है, यूजिंग अप, एक प्रोसेस है ऑफ यूजिंग अप ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अच्छा कंजम्पशन कंज्यूमर्स करते हैं मैंने लिखा है, ठीक है। तो अब बात तो ये ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये वर्ड लिख दूँ कुछ तो चाइल्ड ज्यादा बेहतर हो क्या? एंड यूजर, वो बंदा जिसने वो चीज इस्तेमाल करनी है फॉर हिज और हर ओन सेटिस्फेक्शन, उसने आगे किसी को पास ऑन नहीं करनी, उसने आगे वो बेचनी नहीं है, तो वो कंजम्पशन कर रहा है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप एंड यूजर हो, आप फाइनल कंज्यूमर हो, आपने किसी को आगे बेचनी थोड़ी है ताली, आपने अपने लिए, आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।